वेलकम फ्रेंड्स, इन द प्रेजेंट वीडियो वी आर डिस्कसिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्रेंड्स, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, यहां पर ध्यान से समझना। सबसे पहले मुझे डिस्कस करना है व्हाट इज डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल एंड पोलराइजेशन ऑफ मटेरियल। ध्यान से समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट पोलराइजेशन ऑफ मटेरियल। देखो बेटा, हमको पता है कि देर आर टू काइंड्स ऑफ मटेरियल, वन इज सेड टू बी कंडक्टिंग मटेरियल एंड अनदर इज सेड टू बी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। माइंड वेल, एनी काइंड ऑफ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एनी काइंड ऑफ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कंसिडर्ड एज डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, any kind of non-conducting material of electricity is considered as dielectric material. Friends, there are two kinds of dielectric material can be possible. First one is said to be polar dielectric, and another kind of material is said to be non-polar dielectric. एक पोलर डायलेट्रिक, दूसरा नॉन पोलर डायलेट्रिक। देखो, पोलर डायलेट्रिक और नॉन पोलर डायलेट्रिक में क्या डिफरेंस होता है। अगर कंसीडर करो कि मेरे पास हाइड्रोजन का एटम है, तो आप सबको पता है कि हाइड्रोजन एटम के केस में सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के पास प्लस ई जितना इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। उसके आसपास एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर, मतलब रेडियस जितने डिस्टेंस पर, एक माइनस ई जितना चार्ज, ये प्लस ई जितना चार्ज है और ये माइनस ई जितना चार्ज है। तो यहां पर ये प्लस ई और माइनस ई से इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है और इसकी डाइपोल मोमेंट आपको कैलकुलेट करनी है तो कभी भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के अंदर एंटर नहीं हो सकता। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन टोटली सेपरेटेड ही रहते हैं। अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन टोटली सेपरेटेड रहेंगे तो इसके पास हमेशा डाइपोल मोमेंट रहेगी। कहने का मतलब मेरा इतना ही है कि जो मटेरियल के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होती है, which possess permanent electric dipole moment or possess electric dipole moment permanently is called as polar dielectric material. लेकिन जैसे consider करो कि मेरे पास NaCl का एक atom, sorry molecule है। अगर मेरे पास NaCl का molecule है तो हमको पता है कि Na और Cl के molecule में एक एक electron का यहाँ पर bond के अंदर sharing होता है और एक एक इलेक्ट्रॉन का अगर बॉन्ड के अंदर शेयरिंग है तो एक्चुअल में ये Na प्लस आयन है और ये Cl माइनस आयन है, बट दोनों एक दूसरे के अंदर ओवरलैप है, इसलिए इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है। अगर इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है, दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस जीरो है, तो इसके पास अभी according to equation p equal to q into 2a, 2a equal to 0 है, तो इसके पास डाइपोल मोमेंट 0 है। इसका मतलब यह हुआ कि इसके पास डाइपोल मोमेंट परमानेंटली नहीं है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट 0 है। और अगर परमानेंट डाइपोल मोमेंट 0 है तो ऐसे केस में इट इज सेड टू बी नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक। जब आप पोलर डायलेक्ट्रिक या नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक मटेरियल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हो,
जैसे कंसीडर करो कि मैंने दो प्लेट्स का यूज करके दो प्लेट के ऊपर, एक प्लेट के ऊपर प्लस सिग्मा, दूसरे प्लेट के ऊपर माइनस सिग्मा चार्जेस को डिपॉजिट किया, तो ऐसे केस में सरफेस चार्ज डेंसिटीज अगर सिग्मा और माइनस सिग्मा है तो दो प्लेट्स के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। जो भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा उसके अंदर अगर मैं NaCl के मॉलिक्यूल को रख देता हूं, तो NaCl के मॉलिक्यूल को अंदर रखने से क्या होगा, यहां पर पॉजिटिव चार्जेस है और यहां पर नेगेटिव चार्जेस है, इसका मतलब NaCl का जो मॉलिक्यूल है अंदर रखोगे तो ऑब्वियस है कि Cl- आयन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और Na+ आयन नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब दोनों के बीच का सेपरेशन जनरेट हुआ, अगर दोनों के बीच का सेपरेशन जनरेट होता है तो अब इसी मॉलिक्यूल के पास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जनरेट होती है। तो कहने का मतलब इतना है कि अगर किसी मटेरियल के पास पहले से डाइपोल मोमेंट जीरो है और ऐसे मटेरियल को जब अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अगर प्रोड्यूस होती है तो दिस पर्टिकुलर फिनोमिनन इज सेड टू बी पोलराइजेशन ऑफ मटेरियल। यहां पर अगर पोलराइजेशन हुआ है तो पोलराइजेशन के केस में फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस इट हैड बीन फाउंड दैट फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स इट हैड बीन फाउंड दैट जो भी डाइपोल मोमेंट जनरेट हुई है पी is always directly proportional to electric field intensity E0। Obvious है कि electric field जितना strong होगा उतना ही वो charges का separation ज्यादा करेगा। इसी तरीके से यहां पर अगर proportionality symbol हटाना है तो मुझे एक constant introduce करना पड़ेगा P equal to alpha into E0। Friends, यहां पर alpha is proportionality constant which is known as polarizability of material। तो this is about polarization of material। याद रखो friends कि polarization of material दो बातों के ऊपर dependent है, एक तो यहाँ पर electric field कितना strong है और दूसरा it is also dependent on the factor which is known as temperature, क्योंकि TY type of material as well as temperature दोनों के ऊपर ये dependent होता है। याद रखो कि अगर temperature ज्यादा होगा तो polarization करने के लिए हमको electric field ज्यादा strong apply करना पड़ेगा और अगर electric field weak होगा तो यहाँ पर weak electric field के केस में कम temperature पर भी आप पोलराइजेशन अचीव कर सकते हो। तो दिस इज सेड टू बी कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पोलराइजेशन ऑफ मटेरियल। फ्रेंड्स, अब मुझे डिस्कस करना है बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना, कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स में इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट पोलराइजेशन ऑफ मटेरियल। यहां पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बेटा, सबसे पहले कंसीडर करो कि मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के पर्पस से मैं यहां पर कैपेसिटर की दो प्लेट्स ले लेता हूं। कंसीडर करो कि ये कैपेसिटर की दो प्लेट्स है। अगर ये कैपेसिटर की दो प्लेट्स है तो ये कैपेसिटर का मैं बैटरी की हेल्प लेकर चार्जिंग करता हूं। बैटरी की हेल्प लेकर अगर मैं चार्जिंग कर रहा हूं तो बैटरी की हेल्प लेकर चार्जिंग करते वक्त एक प्लेट पर जितने अमाउंट में पॉजिटिव चार्जेस को डिपॉजिट किया है उतने ही अमाउंट में मैं दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्जेस को डिपॉजिट करता हूं। इसका ये मतलब हुआ
कि दोनों के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है, लेकिन ये चार्जेस कितने अमाउंट में डिपॉजिट करना है ये मेरे कंट्रोल में है। इसके ऊपर कितने अमाउंट ऑफ चार्जेस को डिपॉजिट करना है ये सारा का सारा चार्ज मेरे कंट्रोल में है, इसलिए इसको मैं बोलता हूं फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी। और फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से दो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियस है, इसको मैंने नाम दिया है फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एफ। देखो अल्टीमेटली अगर ये कैपेसिटर कंसीडर करो कि 1 फेराडे का है, ये कैपेसिटर अगर 1 फेराडे का है और अगर मुझे 10 कूलम चार्ज डिपॉजिट करना है तो हमारे पास फॉर्मूला है C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, तो Q इक्वल टू सी वी, सी इक्वल टू 1 फेराडे और V इक्वल टू अगर मैं 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दूं तो ऑटोमेटिकली 10 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज डिपॉजिट हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा इतना ही है कि ये प्लेट्स के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक चार्ज डिपॉजिट करना है ये हमारे कंट्रोल में होता है, और कितना चार्ज डिपॉजिट करना है उसके लिए हम टोटली फ्री है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको मैंने नाम दिया है फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी। और फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो चार्ज है उसको मैंने नाम दिया है फ्री इलेक्ट्रिक चार्ज डिपॉजिटेड ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। नाउ हमको पता है कि अगर फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एफ है, इफ फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी, फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी, फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज सिग्मा एफ, देन फ्री इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्री इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर दैट इज इक्वल टू ई एफ। ये फ्री इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए मैं इसको नाम देता हूं ई एफ, तो ई एफ इज इक्वल टू सिग्मा एफ अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसका डायरेक्शन आप देख सकते हो कि लेफ्ट टू राइट है, ई एफ इक्वल टू सिग्मा एफ अपॉन एप्सिलॉन नॉट और इसका डायरेक्शन आप देख सकते हो कि लेफ्ट टू राइट है। अब फ्रेंड्स यहां पर ध्यान से समझो, अब मुझे बिहेवियर डिस्कस करना है ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल कैसे बिहेव करता है वो अगर मुझे डिस्कस करना है तो बेटा मैं एक काम करता हूं, यहां पर किसी भी डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को कूट कूट कर इसके अंदर दो प्लेट्स के बीच में भर देता हूं। दो प्लेट्स के बीच में अगर मैं डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल भर देता हूं, देखो यहां पर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल इस तरीके से भरना है कि जिससे कैपेसिटर की दो प्लेट्स के बीच में जरा सा भी वैक्यूम बाकी नहीं बचे, इसलिए यहां पर मैंने कंसीडर करो कि मैं डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल पूरा का पूरा अंदर भर देता हूं, जरा सी भी जगह अंदर बाकी नहीं रखता हूं। कैपेसिटर की दो प्लेट्स के बीच में मैं डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल भर देता हूं, डाइइलेक्ट्रिक स्लैब मैंने जैसे कंसीडर करो कि रख दिया। अब जैसे ही अंदर डाइइलेक्ट्रिक स्लैब रखूंगा मटेरियल का इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोलराइजेशन होगा, मटेरियल का पोलराइजेशन होगा तो यहां पर डाइपोल्स जनरेट होगी, यहां पर क्या जनरेट होगा, डाइपोल्स जनरेट होगी, और डाइपोल इस तरीके से जनरेट होगी कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ, इस तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव, यहां पर डाइपोल्स जनरेट होगी नेगेटिव पॉजिटिव,
अगर मटेरियल के अंदर इस तरीके से नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रिक डाइपोल्स जनरेट होगी तो मेरी बात समझो, बीच वाले रीजन में क्या होगा? तो बेटा बीच वाले रीजन के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इतने क्लोज है कि वो सब चार्जेस एक दूसरे की इफेक्टिवनेस को नलीफाई कर डालेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर सरफेस के पास वाले रीजन में इतने चार्जेस एक दूसरे की इफेक्ट को नलीफाई करेंगे। इसका मतलब टेक्निकली ये हुआ कि कैपेसिटर की प्लेट्स के पास में यहां पर नेगेटिव चार्जेस का इंडक्शन होगा और नेगेटिव प्लेट के पास वाले रीजन में पॉजिटिव चार्जेस का इंडक्शन होगा। ये चार्जेस कितने अमाउंट में, प्रोड्यूस करना, उसके हमारे पास कोई फ्रीडम नहीं है। ये चार्जेस अपने हिसाब से मटेरियल की प्रॉपर्टी के हिसाब से डेवलप होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये चार्जेस कितने अमाउंट में डेवलप करना, वो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। और अगर वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है तो वी कैन नॉट कंट्रोल हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्जेस शुड बी डिपोजिटेड ओवर देयर। इसका मतलब ये हुआ कि ये चार्जेस कितने अमाउंट में प्रोड्यूस करने हैं उससे रिलेटेड हम बाउंड है, हम फ्री नहीं है। और हम फ्री नहीं है इसका मतलब ये चार्जेस को मैंने नाम दिया बाउंड चार्जेस। तो यहां पर बाउंड चार्जेस की वजह से इफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, ऑफ बाउंड चार्जेस, इज सिग्मा बी। यहां पर बाउंड चार्जेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा बी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप ड्यू टू बाउंड चार्जेस ईबी इक्वल टू सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर ध्यान से देखो, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ है, नेगेटिव चार्ज इस तरफ है, इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंड चार्जेस की वजह से डेवलप होगा वो ऑब्वियस है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की कंपैरिजन में। सो दिस इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप ड्यू टू बाउंड चार्जेस। अब फ्रेंड्स यहां पर ध्यान से समझो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इनसाइड कैपेसिटर मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा ई इक्वल टू ई एफ माइनस ई बी। फ्रेंड्स क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए मैं यहां पर दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में है तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड सब्ट्रैक्शन से मिलेगा। तो नाउ वी कैन से दैट ई इक्वल टू ई एफ माइनस ई बी। ई एफ का फॉर्मूला है सिग्मा एफ अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिलता है ई इक्वल टू सिग्मा एफ माइनस सिग्मा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसको मैं अभी टेक्निकली इक्वेशन नंबर 1 बोल के साइड में छोड़ देता हूं। अब देखो बेटा यहां पर सब नेगेटिव चार्जेस है, यहां पर सब पॉजिटिव चार्जेस है, मतलब बाउंड चार्जेस की भी डायपोल मोमेंट जनरेट होगी। तो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं डाइपोल मोमेंट जनरेटेड ड्यू टू बाउंड चार्जेस। डाइपोल मोमेंट ड्यू टू बाउंड चार्जेस, और बाउंड चार्जेस की डाइपोल मोमेंट को मैं सिग्मा बी सॉरी को पी वन से रिप्रेजेंट करता हूं। तो पी वन इज इक्वल टू, देखो डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है क्यू इंटू टू ए। क्यू इंटू टू ए का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। यहां पर हमको जो चार्ज लेना है वो चार्ज बाउंड चार्ज है और उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो देख सकते हो कि ये दोनों चार्जेस का इंडक्शन प्लेट्स के काफी क्लोज हुआ है। इसका मतलब ये होगा कि अगर दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी है तो क्यू बी इंटू डी, क्योंकि
क्योंकि दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस d जितना है। अब हमको पता है कि सिग्मा बी इक्वल टू बाउंड चार्ज सरफेस डेंसिटी इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एरिया ऑफ द प्लेट। तो इसका मतलब क्यू बी इज इक्वल टू सिग्मा बी इंटू ए इंटू डी, वेर ए स्टैंड फॉर एरिया ऑफ प्लेट्स एंड डी स्टैंड फॉर डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। बट एरिया इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू वॉल्यूम, तो सिग्मा बी इंटू वी, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। वी हैड ऑब्टेन डाइपोल मोमेंट ड्यू टू बाउंड चार्जेस। डाइपोल मोमेंट ड्यू टू बाउंड चार्जेस मिल जाने के बाद फ्रेंड्स अब मुझे डिस्कशन करना है एक इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी का, जिसका नाम है इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन। देखो इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन क्या होता है, तो जब मटेरियल का पोलराइजेशन होता है तो ऐसे केस में द टोटल डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस ड्यू टू बाउंड चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन को P से रिप्रेजेंट किया जाए तो इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन P इज इक्वल टू द टोटल डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस ड्यू टू बाउंड चार्जेस विच इज इक्वल टू P1 पर यूनिट वॉल्यूम इज V। तो P1 इज इक्वल टू सिग्मा बी इंटू वी अपॉन वी, वी वी कट, तो P इक्वल टू सिग्मा बी। इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन इज इक्वल टू सिग्मा बी। दिस इज आई वुड लाइक टू मेंशन एज इक्वेशन नंबर 3। अब बेटा यहां पर मेरी बात सब लोग ध्यान से समझो, इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन के बाद अब मुझे डिस्कस करना है दैट क्वांटिटी इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो देखो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब कुछ ऐसा होता है, the ratio of intensity of polarization to total electric field E is called as electric susceptibility। फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी को ऑलवेज काई ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। काई इज ग्रीक अल्फाबेट, अगर मैं इसको काई ई से रिप्रेजेंट कर देता हूं तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी काई ई इज इक्वल टू रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन पी टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पी इज इक्वल टू काई ई इंटू कैपिटल ई। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब यहां पर मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूं, सब लोग ध्यान से समझो। हमारे पास इक्वेशन है 1, तो फ्रॉम इक्वेशन वन वी कैन से दैट एप्सिलन नॉट इंटू ई इज इक्वल टू सिग्मा एफ माइनस सिग्मा बी। बट फ्रेंड्स यू वेरी वेल नो दैट सिग्मा बी इक्वल टू पी एंड P इक्वल टू काय ई इंटू ई, तो इसकी जगह पर मैंने काय ई इंटू ई डाल दिया। ये टर्म को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूं तो E कॉमन एप्सिलॉन नॉट प्लस काय ई इक्वल टू सिग्मा एफ,
तो E इक्वल टू सिग्मा एफ अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस काय ई, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। फ्रेंड्स यहां पर मेरी बात ध्यान से समझो, अगर मैंने कैपेसिटर की दो प्लेट्स के बीच में किसी डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को भर दिया है, तो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को जब भर देते हैं तब मटेरियल की प्रेजेंस में हमारे पास इक्वेशन आता है E इक्वल टू सिग्मा एफ अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस काय ई। अब मेरी बात समझो, अगर कैपेसिटर की दो प्लेट्स के बीच में वैक्यूम होता तो क्या होता? अगर कैपेसिटर की दो प्लेट्स के बीच में वैक्यूम ही होता तो बाउंड चार्ज प्रोड्यूस ही नहीं होता। अगर बाउंड चार्ज डेवलप ही नहीं होता तो डाइपोल मोमेंट ड्यू टू बाउंड चार्ज इज जीरो होता। अगर डाइपोल मोमेंट ड्यू टू बाउंड चार्ज इज जीरो है तो पी वन जीरो है तो पी बी जीरो होता, पी जीरो है तो काय ई जीरो होता, और काय ई जीरो होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड सिग्मा एफ अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिलता जो हमको पता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इन केस ऑफ वैक्यूम, अगर मैंने दो प्लेट्स के बीच में वैक्यूम भर दिया है तो ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन मिलेगा E0 इक्वल टू सिग्मा एफ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैंने दो प्लेट्स के बीच में वैक्यूम रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन मिलेगा E0 इक्वल टू सिग्मा एफ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर मैं कोई मीडियम डाल देता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन मिलता है सिग्मा एफ अपॉन एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन इज सेड टू बी परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। एप्सिलॉन इज सेड टू बी परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन भी प्रेजेंस में है, फिफ्थ इक्वेशन भी प्रेजेंस में है। अगर मैं दोनों को कंपेयर कर देता हूं तो वी विल ऑब्टेन एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट प्लस काय ई, तो काय ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन नॉट। फ्रेंड्स हम सबको पता है कि अगर मैं दो परमिटिविटी का रेशियो लेता हूं तो मुझे के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिलता है, बट यहां पर याद रखो कि अगर मैं दो परमिटिविटी का डिफरेंस लेता हूं तो मुझे इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी मिलती है। अकॉर्डिंग टू दिस डिस्कशन, अगर वैक्यूम के अंदर किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है, और अगर मैंने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया तो उसका कैपेसिटेंस के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो जाएगा, तो अल्टीमेटली सी डैस अपॉन सी इक्वल टू के, तो सी डैस इज इक्वल टू सी के। कैपेसिटर की दो प्लेट्स के बीच में आप कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंट्रोड्यूस करके उसका कैपेसिटेंस के टाइम्स कर सकते हो, एंड दिस इज सेड टू बी फंडामेंटल ऑफ कैपेसिटर। अगर आपको कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो आप उसकी दो प्लेट्स के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंट्रोड्यूस कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली वो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है। एंड दिस इज द कंप्लीट डिस्कशन अबाउट बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। यहां पर बेटा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे फोन करके डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।